Stanley on Bible presents Sound Doctrine Swast Siddhant Lessons prepared by R. Stanley, a building engineer turned Bible teacher. Taiyar kiye gaye paath dwara R. Stanley Bhavan engineer bane Bible shikshak. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपने जीवन में लगातार सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 7 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है लोगों की सहायता करना। प्रियो, जीवन में प्रत्येक मनुष्य को कभी ना कभी किसी न किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है, और उसी तरह से हर एक मनुष्य ने कभी न कभी किसी न किसी की सहायता भी की है। हम सीख रहे हैं हाउ नॉट टू हेल्प, सहायता कैसे न करें। अब तक हमने जो 7 पाठ सीख चुके हैं वो इस प्रकार से हैं। लेसन नंबर 1, डू नॉट कंसीडर चैरिटी ऑप्शनल। पहला पाठ, परोपकार को विकल्प न समझें। लेसन नंबर 2, डू नॉट थिंक यू ओन एनीथिंग। दूसरा पार्ट, यह न सोचें कि आप मालिक हैं। लेसन नंबर 3, डू नॉट बी स्टिंजी। तीसरा पार्ट, कंजूस न बने। लेसन नंबर 4, डू नॉट ऑलवेज वेट फॉर ग्रुप एक्शन। चौथा पार्ट था, हमेशा सामूहिक कार्यवाही के लिए इंतजार न करें। लेसन नंबर 5, डू नॉट बी ओवर कॉशियस इन चूजिंग बेनिफिशियरीज। पांचवा पार्ट था कि लाभार्थियों के चयन में बहुत अधिक सतर्कता न बरतें। लेसन नंबर 6 वॉज, डू नॉट कन्फाइन चैरिटी टू स्पेशल ओकेजन्स। छठवां पार्ट था, परोपकार केवल विशेष अवसरों के लिए ही सीमित न रखें। लास्ट वीक वी सॉ लेसन नंबर 7, पिछले सप्ताह हमने 7वां पाठ सीखा था, डू नॉट पब्लिसाइज चैरिटी। 7वां पाठ, दान का प्रचार न करें। टुडे वी आर गोइंग टू सी द 8th लेसन। आज हम लोग 8वां पाठ सीखने जा रहे हैं, हाउ नॉट टू हेल्प, सहायता कैसे न करें। डू नॉट ब्रिंग द रेसिपिएंट्स अंडर ऑब्लिगेशन। 8वां पाठ, लाभार्थियों को किसी बंधन में न डालें। इसे फिर दोहराता हूं, हाउ नॉट टू हेल्प, सहायता कैसे न करें। डू नॉट ब्रिंग द रेसिपिएंट्स अंडर ऑब्लिगेशन, लाभार्थियों को किसी बंधन में न डालें। प्रियो, जब हम किसी की सहायता करते हैं तब साधारणता हम इतनी अपेक्षा जरूर रखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने एक शब्द बोलना चाहिए, धन्यवाद, और जब वो धन्यवाद देता है तब थोड़ी तसल्ली मिलती है। आगे भी वो हमेशा कृतज्ञ रहे, उस बात को ध्यान में रख करके ऐसी भी अपेक्षा हम रखते हैं, सही है और न्याय संगत है। परंतु प्रियो, यह युग का अंत चल रहा है और इस समय के लोगों में अब कृतज्ञता नहीं बल्कि कृतघ्नता दिखाई देती है। लोगों के हृदय में धन्यवादी मन नहीं है। बाइबल में 2 तिमोथियस उसका 3रे अध्याय में और उसके 1 और 2 वचन में देखिए क्या लिखा है, यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और इन कठिन समयों की बातें वो बताना शुरू कर रहा है कि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, और लिखा है कृतघ्न हो जाएंगे। अर्थात इन दिनों में, इन अंतिम दिनों में जो कठिन दिन आ रहे हैं, लोग धन्यवादी मन नहीं रखेंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के समय की बातों को भी देखें तो आप भी यही मानेंगे कि प्रभु यीशु के अनुभव में भी मात्र 10% लोग थे जो वास्तव में कृतज्ञ थे, जो वास्तव में धन्यवादी मन के थे,
और मैं एक खास उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं लूका के 17वें अध्याय में से, जहां पर प्रभु यीशु 10 कोढ़ियों को अच्छा करते हैं। अब ये 10 कोढ़ी प्रभु यीशु को रास्ते में मिलते हैं, दूर से खड़े होकर पुकारते हैं और यीशु उनसे दूर से ही कह देता है, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखा दो। और ये 10 उसके इस वाक्य के कहने पर पलट करके याजकों की तरफ जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है, जब वे मार्ग ही में थे तो चलते चलते उन्होंने देखा कि वे शुद्ध हो गए। लेकिन अब देखिए 15वें वचन में क्या लिखा है, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटता है, आता है, यीशु के पांव पर गिरता है, उसको धन्यवाद देता है। प्रभु यीशु उससे यह पूछ रहे हैं कि क्या 10 जन शुद्ध नहीं हुए? उसने जवाब दिया होगा, हां प्रभु जी 10 शुद्ध हुए हैं। तो यीशु ने एक और प्रश्न किया, तो बाकी के 9 कहां हैं? हम लोग अपने जीवन में मानो 10 आशीषें पा लेते हैं और मात्र एक आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं, 10 बार चंगाइयां प्राप्त कर लेते हैं, अपनी चंगाई के लिए 10 बार दुआ मांग लेते हैं, लेकिन धन्यवाद एक वाक्य की प्रार्थना में हो जाता है। तो इस उदाहरण में मैं ये देख रहा हूं कि 10 दुखियारे थे, वे मांगने के लिए प्रभु के पास में आए, प्रभु ने दया करके उन पर यह चंगाई उंडेल दी और उनमें से केवल एक व्यक्ति धन्यवाद देने के लिए आता है। और इसमें भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि प्रभु यीशु इसीलिए नहीं 10 को ढूंढ रहे थे कि उनकी बड़ाई हो, उनकी प्रसिद्धि हो। अगर आप उसी वचन में आगे देखेंगे 18वें वचन में, तो आपको पता लगेगा कि प्रभु यीशु के ये 10 लोगों के पूछने का उद्देश्य क्या था। क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? प्रभु यीशु अपनी नहीं परंतु परमेश्वर पिता के नाम को ऊंचा उठाना चाहते थे और इसीलिए वो चाहते थे केवल एक आवाज क्यों, 10 आवाज धन्यवाद की और परमेश्वर की महिमा की उठनी चाहिए। प्रियो, यदि कोई धन्यवाद देता है तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि उसे बड़ी नम्रता पूर्वक, बड़े प्रेम से उस आभार को अच्छे से ग्रहण कर ले। परंतु यदि आपके दान करने के बाद, आपके कुछ देने के बाद सामने वाले व्यक्ति ने आपको धन्यवाद नहीं दिया, तो अपने मन में कुढ़िएगा मत। और हां, एक बात और, वही व्यक्ति अगर फिर से आपके पास कुछ दिन में आए और फिर से कुछ मदद मांगे, तो उसे याद मत दिलाइएगा कि हां उस दिन आया था, उस दिन मांगा था, उस दिन ऐसे ऐसे किया, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। इस प्रकार से कहने की बजाय, उसको वो घटना याद दिलाने की बजाय, आप मुस्कुराइए कि आपको उसने याद किया, अपनी जरूरत में आपको उसने याद किया और उसको अपेक्षा है, उसको बड़ी चाह है कि हां मेरी जरूरत को यही व्यक्ति ठीक कर सकता है और इसीलिए आपके पास में आया है। प्रियो, बड़े मुस्कुरा के उसको गले लगाइए और उसकी जरूरत को जितना आप उसको दे सकते हैं उसकी मदद करिए। लोगों की सहायता करके उन्हें किसी प्रकार के दबाव में नहीं डालना है, किसी प्रकार के बंधन में नहीं डालना है। आज हम लोगों का पाठ हमको यही सिखा रहा है कि लाभार्थियों को किसी भी प्रकार के बंधन में बांध के मत रखिएगा। हम ऐसा भी ना सोचें कि आज इनको मदद किए हैं, अब ये हमारी मुट्ठी में आ गए हैं, अब हम इनसे काम निकलवाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों की सहायता इसलिए बिल्कुल भी ना करें कि कल हमको उनसे कुछ लाभ होने वाला है, यह परमेश्वर का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको प्रेरितों के काम और उसके 14वें अध्याय में ले चलता हूं और उसके 16 और 17 में से पढ़कर बताना चाहूंगा। परमेश्वर ने, उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया। आप इसराइलियों को स्मरण रखिए, जब वे मिस्र देश की बंधुआई से निकले थे, परमेश्वर एक के बाद एक उनके लिए आश्चर्य कर्म करता जा रहा था, लेकिन उनका जीवन अगर आप देखें तो वे परमेश्वर को
बुरा बुरा बोल रहे हैं, मूसा को बुरा बुरा बोल रहे हैं, बिल्कुल भी धन्यवाद ही नहीं है हृदय में, कुड़ते हुए चल रहे हैं, बुड़बुड़ाते हुए चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम को उन पर उंडेलना बंद नहीं किया। ये उसी बात के लिए देखिए लिखा है कि बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया, अपनी इच्छा से चलने दिया, कठपुतली के मानिंद नहीं कि मैं मदद कर रहा हूं, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसे ही चलो, अपनी मनमर्जी चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। जब परमेश्वर का ऐसा स्वभाव है तो हमारा क्यों नहीं होना चाहिए? हम अपने आप को परमेश्वर की संतान बोलते हैं प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम भी परमेश्वर के इसी स्वभाव में भर जाएं। आपको याकूब की पत्री और उसके पहले अध्याय के पांचवें वचन में से एक बार ये वचन बताया था कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, जो बिना उलाहना दिए देता है, उदारता से देता है। ये बिना उलाहना दिए का अर्थ क्या होता है? हमारा परमेश्वर हमारा दोष निकाल करके हमको नहीं देता, हमें पाप बोध करवा करके, हाँ तुम ऐसे हो लेकिन देखो मैं फिर भी देता हूं, ऐसे करके देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कुड़ कुड़ करके देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो असंतोष में रह करके देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो कड़वाहट से भर करके हमको नहीं देता है प्रियो। और परमेश्वर का यही स्वभाव, बिल्कुल यही स्वभाव हम में होने की आवश्यकता है कि हमें अगर कोई धन्यवाद न भी दे, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं भी चलता है, लेकिन जरूरत में है, मुसीबत में है और हम उनकी सहायता कर सकते हैं, तो बेशक खुशी से करना चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति किसी दबाव में डाला जाए, किसी बंधन में डाला जाए, और इसीलिए वो चिताता भी है। मेरे साथ में खोलिएगा रोमियो की पत्री और उसका 13वां अध्याय और उसका 8वां वचन, आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना होना। सिर्फ प्रेम का रिश्ता, प्रेम का कर्जा, एक दूसरे को प्रेम दिए जा रहे हैं, प्रेम लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरा किया है। इन दिनों में व्यवस्था के मानने वाले बहुत थे और उन लोगों को अब प्रेम का पाठ पढ़ाया जा रहा है, पड़ोसियों से प्रेम रखने की बात बताई जा रही है, और पौलुस प्रेरित उनको 10 आज्ञाएं भी याद दिलाता है कि ये जो आज्ञाएं हैं ये भी ये ही बता रही हैं कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख, तू अगर ये भी करेगा तो भी व्यवस्था को पूरा करेगा। देखिए आगे 9वें वचन के आखिरी भाग में लिखा है, सारी बातों का सारांश इसमें पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम को छोड़ और किसी बात के कर्जदार ना होना। हम खुद भी तो किसी बंधन में जीना नहीं चाहते, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम किसी के दबाव में रहे, किसी से कुछ ले लिया है तो हमेशा उसी के पैर धोते रहें, बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए हम भी ध्यान रखें कि किसी की मदद करें तो उसको अपना गुलाम बना करके न रखें। एक कहावत है कि लेने हारा व्यक्ति देने वाले का गुलाम बन जाता है, लेकिन मैं कहूंगा कि यह सांसारिक कहावत है। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले और बाइबल के आधार पर चलने वाले लोग ऐसा नहीं करते। लेने हारा देने हारा दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों एक ही खुदा के, एक ही परमेश्वर पिता के बच्चे हैं, और हमको परमेश्वर ने अगर ज्यादा दिया है तो उस कम दिए वाले को बांटने के लिए दिया है, उसके साथ गले लगा करके रहने के लिए दिया है। प्रियो फिर दोहराता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने लेने हारों को किसी भी प्रकार से बांध कर ना रखें, उनको किसी बंधन में ना रखें, परंतु उनको उनके बंधनों से मुक्त करने के लिए उनकी सहायता करें। मत्ती रचित सुसमाचार में आइए और उसके 6वें अध्याय में जहां पर प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना मिलती है, एक बड़ा सुंदर सा वचन है, 12वां वचन पढ़ता हूं, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और बिल्कुल यही वाक्य हमको लूका के 11वें अध्याय में भी मिलता है और उसके 4वें वचन में आप इस बात को पढ़ पाते हैं, और हमारे पापों को क्षमा कर क्योंकि हम भी
अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। प्रियो, मत्ती के छठवें अध्याय को अगर आपने खोला है बाइबल में, तो जहां पर अपराध शब्द है या अपराधी शब्द है, वहां पर एक सितारा दिख रहा होगा। अपनी बाइबल में नीचे देखिए कि वास्तव में अपराधी शब्द जो है उसके लिए मूल शब्द क्या था, और आप पाएंगे कि वहां लिखा है कि अपराधियों के लिए शब्द है कर्जदार, और अपराध के लिए शब्द है कर्ज। अर्थात किसी को ऋण दिया है, प्रभु जी मैंने उसका ऋण माफ कर दिया, मैंने जिसको कर्जा दिया था उसका कर्जा मैंने माफ कर दिया प्रभु जी, इसलिए तू भी मेरे कर्जे को माफ कर दे। तो वास्तव में जो ये प्रार्थना के शब्द थे, ये कर्जे को लेकर के थे, ये ऋण को लेकर के थे, और हम लोगों ने बड़ी चालाकी से इस शब्द को मानो बदल करके अपराध और अपराधी में परिवर्तित कर दिया है। मूल शब्द ध्यान रखिएगा कर्ज और कर्जदार से है। बाइबल यह सिखाती है कि हम कंगालों की सहायता करते समय यह आशा न रखें कि इनसे हमको कुछ वापस मिलने वाला है। देते समय बिल्कुल भी ऐसी मंशा ना रखें, ऐसी इच्छा ना करें कि मैं ये दे रहा हूं, ये मुझको कब तक लौटाएगा, कितना लौटाएगा, बराबर देगा या नहीं, ऐसी आशा बिल्कुल भी ना रखें। एक निस्वार्थ हृदय रखें, बिल्कुल बस देना है ऐसी इच्छा लेकर के, और उसको दे दीजिए। मैं आपको पहला कुरंथी और उसके 10वें अध्याय और उसके 24वें वचन से पढ़ करके बताना चाहता हूं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरे की भलाई को ढूंढे। आप खोजिए इस बात को कि मैं किसकी मदद कर सकता हूं। अपनी भलाई को खोजने के लिए बाइबल मना कर रही है, दूसरों की कहां कहां पर आप भलाई कर सकते हैं वो खोजिए, ऐसे मौके तलाशिए और जाकर के उनकी मदद करिए, बाइबल इस प्रकार से कह रही है। पौलुस तो इस बात को अपने जीवन में करते भी आ रहे थे और वे चाहते हैं कि हम इन बातों का अनुसरण करें। पौलुस के जीवन से सीखना है। दूसरा कुरंथी मेरे साथ में खोलिएगा, 12वां अध्याय और उसके 15वें वचन में लिखा है, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा। पौलुस प्रेरित के शब्द है कि मैं तुम्हारे लिए खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? यदि तुम मुझे नहीं भी दोगे तो भी मैं तुमसे प्रेम करूंगा। बाइबल हमको सिखा रही है प्रियो कि देते समय बिल्कुल भी यह इच्छा ना रखें कि मेरी भलाई के लिए मैं कर रहा हूं, मेरे को वापस मिलेगा इसलिए कर रहा हूं। बेशक स्वर्ग का परमेश्वर इन बातों को देखता है और उसका प्रतिफल भी आता है, लेकिन दुनिया में रहते हुए कभी भी यह ना सोचें कि इस गरीब के हाथ में रखा है ये मुझको कब लौटाने वाला है, क्योंकि शास्त्री और फरीसी लोग प्रभु यीशु के समय के जो थे उनका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं था, लोगों के आंसुओं की भी ओर नहीं था। वे विधवाओं के घरों में भी जाते थे। एक उदाहरण देखते हैं मत्ती के 23वें अध्याय में। आइए, यहां पर प्रभु यीशु शास्त्री और फरीसियों को डांट लगा रहे हैं। हे कपटी शास्त्रियों, देखिए मन में कुछ है दिखाते कुछ और है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो। दिखाने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन यीशु कह रहे हैं तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। ये वे लोग थे मित्रों जो ऊपर से दिखाते थे कि हम बड़े धर्मी हैं, हम बड़ी प्रार्थना करते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन ये लोगों का ध्यान उन विधवाओं के बचे कुछ पैसों पर होता था, उनकी जमीन पर होता था, उनकी जायदाद पे होता था, मात्र लूटने के लिए। प्रभु यीशु ने जो शब्द कहा है, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। तो परमेश्वर हमारे इन बातों पे नजर रखता है कि हम किसकी सहायता कर रहे हैं और किस मंशा से कर रहे हैं, मन में हमारे क्या इच्छा होती है। एक और बात स्मरण रहे कि कभी भी किसी की कमजोरी का फायदा लेकर के उस व्यक्ति को दुख ना दें। रोमियो की पत्री में ले चलता हूं, उसके 12वें अध्याय और उसके 8वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो दया करे वो हर्ष से करे,
खुशी से करें, कुड़कुड़ करके नहीं करना है। आप दया का काम कर रहे हैं, बड़े आनंद से करिए। और नौवें वचन में लिखा है प्रेम बिल्कुल भी निष्कपट रहे, किसी भी प्रकार की कपटपूर्ण बात नहीं हमारे हृदय में होना चाहिए। प्रियो, एक और बात कहना चाहूंगा, जब हम किसी निर्धन की सहायता करते हैं तो अपने आप को उसके सामने राजा नहीं बना लेना का, अपने आप को दरोगा समान ऊंची आवाज में बात करना और उन लोगों को दबा के रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीति वचन के 18वें अध्याय में और उसके 23वें वचन में बाइबल हमें सिखाती है, निर्धन गिड़गिड़ा कर बोलता है परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। आपके पास जिसने मांगने की इच्छा से आया, आप देखेंगे कि बड़ी नम्रता पूर्वक धीमी आवाज में ऐसे करके मांगता है, और आप हैं कि इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं, हाँ क्या है क्या है, इस प्रकार से। बाइबल हमें कहती है कि नम्रता से करना है ये काम। बाइबल हमने पहले ही देखा प्रभु यीशु दया से भर करके कर रहे हैं काम, हमें भी इस काम को करना है तो दया से भर करके चढ़ना है। आवाज चढ़ा करके बिल्कुल बात न करें, उन्हीं के समान बड़े प्रेम से बड़ी नम्रता से उनके दुख में शामिल हो करके, क्या दुख है कैसी तकलीफ है उस बात के मर्म को समझें, उस कठिनाई को समझें जिसमें से वे लोग जा रहे हैं, और उसके बाद उनकी सहायता की सोचें। और तो और किसी को याद मत दिलाइएगा कि बहुत पहले मैंने तुम्हारी सहायता किया था। किसी को नीचा दिखाने की इच्छा से ऐसे बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रियो, पुराने नियम के समय में हम देखते थे कि गुलाम प्रथा होती थी और लोग गुलाम रखते थे, और इन लोगों के घर में जो भाई बंधु रहते थे गुलामी के समय में, उनसे वो कड़क काम करवाते थे। लेकिन बाइबल सिखाती है कि हर 7वें वर्ष में इनको छोड़ देना भी पड़ता था। मैं आपको व्यवस्था विवरण के 15वें अध्याय और उसके 12वें वचन से आगे थोड़े से वचन सुनाना चाहूंगा। यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रिन तेरे हाथ बिके, वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना, उसको आजाद कर देना, उसको बंधन में नहीं रखना। और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे, तब छूछे हाथ नहीं भेजना, खाली हाथ नहीं भेजना है, वरन अपनी भेड़ बकरियों में से, अपने खलिहान में से और दाख मधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी उसी के माप में तू उन लोगों को भी आशीष देना। और इस बात को फिर 18वें वचन में दोहराता है, जब तू उसको अपने पास से स्वतंत्र करके भेजे तब उसे छोड़ देना तुझे कठिन न मालूम पड़े, उसने तुझको, क्योंकि उसने 6 वर्ष 2 मजदूरों के बराबर तेरी सेवा की है। परमेश्वर यहोवा तुझे देखता और तेरा प्रतिफल देता है। प्रियो, जब हमारे बंधन में काम करने वाले लोग हैं, गुलाम हैं, नौकर लोग हैं, जब ये हमारे पास से जाते हैं तो जितना उनका बनता उससे ज्यादा दे करके उनको उनके घर जाने देने के लिए बाइबल हमें सिखाती है। एक और बात बताना चाहूंगा, केवल भौतिक बातों में ही उनकी सहायता नहीं करनी है परंतु आत्मिक बातों में भी हमको सहायता करनी है। प्रियो, दोषारोपण नहीं करना है। एक उदाहरण देता हूं, कोई व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं, जाति भाई है, लेकिन बैकस्लाइड हो गया है, अपने आत्मिक जीवन में फिर से फिसल गया है और आप उसकी सहायता करने के लिए पहुंचते हैं। याकूब का 5वां अध्याय और उसके 19 और 20वें वचन में देखिए क्या लिखा है। हे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य से मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हमें उनके पापों का खुलासा कर देने की धमकी नहीं देना है, उनको अपनी मुट्ठी में नहीं रखना है, उनके जीवन की बातों को लेकर के दूसरों को जाकर के सुनाने की जरूरत नहीं है प्रियो, परंतु बड़े प्रेम से और दयालुता से भर करके उनको उठाने का है। यदि कोई डांटता भी है, अगर मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में अगर डांटता भी है, तो आपको मालूम है दाऊद राजा क्या कहता है भजन संहिता और उसके 141वें अध्याय में, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी और वह मुझे ताड़ ना दे तो यह मेरे सिर पर
तेल का काम करेगा, मेरी चंगाई का काम करेगा। तो कोई धर्मी व्यक्ति की डांट के लिए भी इस तरीके से उदास न रहे। मैं एक और वचन बताता हूं, गलातियों का 6वां अध्याय और उसका 1वां वचन, हे भाइयों यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता पूर्वक उसको संभाल लो। बहुत जरूरी है प्रियों कि हम बड़ी नम्रता पूर्वक बड़े प्रेम से उस व्यक्ति को अपने पास लें और उसको मसीह के पास लेकर आएं। कई बार सहायता मांगने वाले अपनी आवश्यकता को स्पष्ट करने के लिए अपने जीवन की कुछ व्यक्तिगत बातें भी, बड़ी छुपी हुई बातें भी, रहस्य भी आप लोगों को सुना सकते हैं। ध्यान दे कि उनके जीवन की ये गोपनीय बातों को कभी खुलासा ना करें, लोगों के सामने बोल करके ना बताएं, ना ही इन बातों का उनके विरोध में कभी इस्तेमाल करें। अपने शरणार्थियों को अपनी मुट्ठी में नहीं रखने का है, परंतु अपने गले लगा करके रखना है। बाइबल हमें एक और बात सिखाती है कि जो हमारा बुरा चाहते थे यदि कभी वो हमारी सहायता मांगने को आ जाते हैं तो हमें क्या करना है। जिसने आपको दुख दिया वही व्यक्ति कुछ समय के बाद आपकी सहायता मांगने अगर आता है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। उत्पत्ति में आइए, उत्पत्ति के 45वें अध्याय में, जहां पर यूसुफ अपने भाइयों को देख रहा है, दुनिया भर में अकाल पड़ा है, भोजन वस्तु मांगने के लिए उसके भाई लोग सामने खड़े हैं। 45वें अध्याय के 4वें वचन में, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मेरे निकट आओ, यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था, आप तुम लोग पछताओ मत। ये रोने लगे, घबराने लगे, डरने लगे, अब हम पर दंड ना हो जाए। लेकिन वो कह रहा है दुखी मत हो, पछताओ मत, क्योंकि मुझे यहां पर परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए तुमसे पहले आगे भेज दिया। वो इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है कि मुझको भेज दिया। अब इस रीति पर अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं हो, परंतु परमेश्वर ही ठहरा और उसने मुझे यहां लाकर सारे मिस्र देश का प्रभु बना दिया है। प्रियो, इस बात को स्मरण रखें कि हम ऐसे लोगों को जिन्होंने हमें दुख दिया है, अगर फिर मौका मिलता है तो खुशी से उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। समाप्त करने से पहले कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो आप लोगों के साथ में बांटना चाहता हूं। जब किसी गरीब की सहायता करो तो बदले में कुछ पाने की आशा न रखें, परंतु इसके विपरीत यदि वे कुछ सहायता आपकी करना चाहते हैं तो अहंकार न करें और उसे विनम्रता से स्वीकार कर लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। प्रभु यीशु भी तो कभी कभी किसी किसी की नाव मांग लेते थे, प्रभु यीशु कभी किसी के गधा मांग लेते थे, कभी कभी किसी की ऊपरी कोठरी मांग लेते थे। प्रभु यीशु भी दूसरों की सहायता मांगते थे और इसीलिए चाहिए कि हम भी लोगों की सहायता करते रहें। परमेश्वर के वचनों में अगर आप सबोपदेशक के 9वें अध्याय में पढ़ें तो आपको पता लगेगा परमेश्वर राजाओं की भी मदद करने के लिए कंगालों का इस्तेमाल कर लेता है। एक और आखिरी बात बताना चाहता हूं कि आपकी मदद पा करके कोई व्यक्ति अगर किसी और के, दूसरे की भी मदद पाना चाहता है तो उसे डांटिए मत। वो शायद आपके ओर से कुछ अपनी उपयोग की वस्तु पा लिया और भी उसकी जरूरतें होंगी, वो शायद दूसरे के पास में जा रहा है। अपने लाभार्थियों को किसी प्रकार से बांध के मत रखिए, उनको अपने गुलाम मत बना के रखिए। हाउ नॉट टू हेल्प, सहायता कैसे न करें। डू नॉट ब्रिंग रेसिपियंट्स अंडर ऑब्लिगेशन, लाभार्थियों को किसी बंधन में न डालें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टेलीकास्ट। लाइक द बेरेयन क्रिश्चियंस, सर्च द स्क्रिप्चर्स योरसेल्फ टू सी वेदर थिंग्स आर सो। Share these precious truths with your friends. Encourage them to watch this telecast week after week. Do pray for this program. Support us with your offerings. God bless you and make you a blessing. Address for correspondence and contributions: R. Stanley, number 13, Church Colony, Vellore, 632-006. Telephone 0091-9843-7076-00.